जिला महोबा ब्लॉक जैतपुर गांव मुहारी। इस गांव में 40 साल पहले बिजली के तार लगे हैं, तब से यहां के बिजली के तार बदले नहीं गए हैं। तार इतने जर्जर हो गए हैं कि थोड़ी सी भी हवा चलने में आपस में टकराती है तो चिंगारी छूटती है, कभी भी बड़ी घटना घट सकती है। गांव के लोगों का कहना है कि उन्होंने बिजली के ठेकेदार से लेकर बड़े अधिकारी तक को दरखास्त दी है, पर विभाग अभी तक तार नहीं बदला है। क्या बिजली विभाग को बड़ी घटना का इंतजार है? कितनी बारी ये लाइन टूटी हुई है? ये लाइन जब भी तेजी से हवा आती है, कुछ आता है तो आंधी कुछ भी आता है तो टूट जाता है सब कुछ उसमें, और आग लगने की भी संभावना होती, कई बार लग भी चुकी है। परेशान होते हैं लोग बस सारे गांव के। ये कब की लाइन पड़ी हुई है? ये लाइन में देख रहा हूँ, जब से मैंने होश संभाला है तब से मैं देख रहा हूँ, इसमें विद्युतीकरण गांव में ठीक तरीके से हुआ ही नहीं, जैसा है वैसा ही पड़ा का पड़ा है। तो क्या आपको समझ में आ रही है जर्जर तार है? हाँ, ये हमारी सोच ये है कि यहाँ पर जब अभी काफी ये खम्भे लग गए हैं, केंद्र सरकार ने लगा लिए हैं, इसको ठीक तरीके से इसमें लगा करके तार वार इस सारे गांव में बिजली सप्लाई हो तो अच्छा उचित होगा। और क्या, यहाँ कितनी बार ये से आग लग चुकी हुई है? इसमें आग दो बार लग चुकी है, क्योंकि एक बार ये बाउंड्री बनी हुई थी ये वाली, तो इस बाउंड्री में आग लग चुकी थी। दूसरा जब यहाँ आग लगने के बावजूद भी इसी गर्मियों का मौसम था तो एक यहाँ से चिंगारी टूटी हुई थी, यहाँ तार इस पार्किंग में इस घर के कोना में आग लगी हुई थी, जिसमें कितने का नुकसान हुआ था? नुकसान तो ऐसा है कि सभी आदमी आपस में जुट गए थे तो उतना नुकसान नहीं होता, आग पकड़ी हुई थी खास, इसके बाद बुझा दी गई थी, क्योंकि फिर इसके एप्लीकेशन लगाने के बाद तार हम लोगों ने काट दिए थे पूरे, क्योंकि इसकी कोई सुनाई हो जाए इसके बाद कुछ काम किया जाए, तो सुनाई तो फिर अपना कनेक्शन चालू करके यहाँ पे सामने अपने सुरक्षा के लिए अपने अपने तारों को इंतजाम किया। ये कब से इतने घनी डोरियां लगी हैं ये खम्भे में? ये खम्भे में कम से कम नहीं हो गए तो 15 साल से ऊपर हो गए, क्योंकि ये प्रति साल 2-4 कनेक्शन बढ़ते हैं तो सबको इसी खम्भे से, क्योंकि यहीं से सप्लाई है पूरा गांव के लिए, इसी सप्लाई को दोबारा ये पूरे गांव वाले ग्रामवासी सब इसी सप्लाई ले जाते हैं। देखो तो इस तरफ से डोरियां गई हुई हैं, मेरे मकान के पीछे से गई हुई हैं। तो ऐसे में जैसे आपके छत से ही डोरियां काफी गई हुई हैं, तो ऐसा कुछ वो हुआ है कि करंट का कुछ? हाँ बिल्कुल, चिंगारी कहीं भी गिर जाती है भाई, हर आदमी नई डोरी नहीं डाल सकता, एक एक आदमी डोरी डाल दिया कहो 6 साल तक उसी डोरी चला रहे हैं, फिर कट गई फिर टूट गई तो उसको फिर जोड़ दिया। यहाँ पर खम्भे और केबल हर चीज की जरूरत है? खम्भे की जरूरत बिल्कुल है मैडम, खम्भा हो जाए अगर वो खम्भों पे तार हो जाए तो फिर घर घर में कनेक्शन का 10 मीटर 5 मीटर पे लोगों को डोरी जोड़ना पड़ेगी, तो उससे कोई दिक्कत नहीं होगी। पर अभी सपा की गवर्नमेंट में विधायक 3-3 बार जीता लेकिन उसने कुछ नहीं करवाया, लाइट के लिए कई बार कहा कि भैया खम्भों की व्यवस्था हो जाए, कुछ नहीं हुआ। तो आप निकलने में क्या भय रहता है आप लोगों को? भय रहता है कि कभी तार टूट ना जाए। तो फिर कैसे निकलते हैं? डर तो निकलते हैं, वो नीचे डोरी पड़ी है उसमें लाइट भी है तो करंट का डर नहीं रहता है? पता जानते तो सबको ये केस में करंट है, सबको मानने को डरता तो कैसे निकलेंगे? किसी अधिकारी से शिकायत लिखित रूप से? नहीं लिखित तो नहीं दी है, जो घर पे आपको मीटिंग कभी होती है जो कोई अधिकारी आते हैं इनसे बोलते हैं तो भी कहते हैं कि हम ठीक करा देंगे, बस कह के तो चले जाते हैं लेकिन फिर कोई कराता नहीं है, समस्या तो वो बनी रहती है। पूरे गांव में कितने लमसम कनेक्शन होंगे? कम से कम 60-65 कनेक्शन होंगे, ज्यादा नहीं लेकिन फिर भी इतने होंगे। आपकी तरफ से क्या पहल हुई है? मैं तो यही सोचता, मेरे ठेकेदार को जिसने की खम्भा गड़वाया उसको बार बार फोन भी किया मैंने ठेकेदार को, भाई हमारे यहाँ तार क्यों नहीं खींचती है, तो वो कहता है कि प्रधान जी ये महीना में खींच जाएगा, ये में बराबर 1 साल तार ले गया। क्या जब वो ताल पड़ जाएंगे तो ये ऐसी दिक्कत नहीं आएंगी? क्यों दिक्कत होगी, फिर तो कोई दिक्कत नहीं पड़ेगी। अगर ऐसी स्थिति आती है तो आपका क्या कहना है? ऐसी स्थिति आती है तो मेरा तो ये अनुरोध है कि हमारे शासन प्रशासन को ये सोचना चाहिए कि जितने जी खम्भा गड़े, अगर खम्भा इन लोगों ने गड़वाए हैं तो इनमें तार और पोल का सिस्टम कर दें तो ये खतरा पे डाल जाए।